काट ले आप लोगों को, मतलब कभी कहीं भी, तो आप लोग करना क्या है सीधे। रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ मर गया क्या? लगता है इसकी डेथ हो गई है। केचुली उसकी पसी, हम लोग कह रहे थे केचुली पसी। चुआ हुआ के चक्कर में गया वहाँ। गोश्त तुमको बचा ना पाए तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखो ऐसे फंसा था, कह रहे थे इस पे केचुली भी है, दिख रही थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर के सिर्फ मित्र सूचनाएं आती हैं और आना जाना लगा हुआ है बरसात का मानसून है। सिर्फ ऐसे में बरसात से बचने के लिए ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पहुंच न जाए, तो खतरे की स्थिति लगातार बनी रहती है। तो आज एक बेजुबान की जान बचाने के लिए हम लोग उपस्थित हैं, आ चुके हैं, क्या नाम? कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मित्र सेनपुर में, विकास खंड कन्नौज। जी आवासीय विद्यालय है बालिकाओं का। जी 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 और यहीं के रसोई घर के जो बच्चों का भोजनालय है जी, उसी जी, के गेट में अचानक देखा गया कि वो फंस गया है। जी, जी, बच्चों की भोजन व्यवस्था भी सारी जो है बड़ी जी, जी, हो गई, जी, जी, बहुत पूरी रात हो गई है, 7:30 बजे रात का है। जी, 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 और ये पूरी रात हम बच्चों को भी बड़ा भयभीत उसमें माहौल पूरा रहा, हम लोग भी पूरी रात जगते रहे इसी उसमें उधर घूमने की कहीं इधर उधर जाके छुप ना जाए। तो बस अब इतना इंतजार है, आप लोगों का इंतजार था, पकड़ जाए तो थोड़ा राहत मिले सबको। जी तो यहाँ के जो मैडम है और यहाँ के जो बच्चे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये उस सर्प को न छेड़े न परेशान किया है। तो हमारी टीम मौके पर आ चुकी है, जो भी समय लगेगा वीडियो के साथ साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। ये विद्यालय परिसर है यहाँ, और यहाँ पर वो सर्प घुस आया है, सर्प देख लिया गया है, इंडियन स्पेक्टकल्ड कोबरा है। तो ये सर हैं वन विभाग से प्रमोद सर, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन्होंने फोन पर सूचना दी। तो जो भी समय लगेगा आइए, पहले देखते हैं कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन है, वो सर थोड़ा स्पेस है उसी में जाके फंस गया है। तो जो भी होगा आप वीडियो के साथ साथ बने रहिए, इसको निकालते हैं फिर दिखाते हैं। देख सकते हैं बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसे लग रहा है कि ये लोग हमें परे मार देंगे, तो ये बहुत गुस्से में है। नहीं 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 नहीं, नहीं शांत रहो आप लोग। ऊपर ये हालत पर पड़ गया है, नीला पड़ने लगा है। नहीं नहीं बोलना नहीं, घबरा है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, देख रहे हैं, ये तो बड़ा क्रिटिकल कंडीशन है। मर गया हमें लग रहा है। ना ना मर नहीं गया है। अरे तूफान इतना बड़ा कर रहा था। अरे देख उस बार में। हाँ। अभी ठंडा पकड़ रही है। अरे तो बड़ा हालत पड़ गया है। आ गया यार। इधर तो ढीला है, वहीं पीछे गया था। उसके कब्जे में कहीं भी था। रुक जाओ रुक जाओ। मर गया क्या? हमें लगता है इसकी डेथ हो गई है क्योंकि इसके मूवमेंट कुछ नहीं हो रहा है। बहुत सालों नीचे की तरफ से कुंडा मुंह में बहुत काफी देर हो गई, बहुत देर हो चुकी है। हलचल खींच रहा है ना, आगे की तरफ बंद कर, थोड़ा पीछे की तरफ खोल ले। भाई देख खींच ले पीछे, कहीं फंस हो गए कैसे फंसा था?
केचुली उसकी फंसी, हम लोग कह रहे थे केचुली फंसी, चूहा हुआ के चक्कर में गया वहाँ। दोस्त तुमको बचा ना पाए, तो आप लोग देख सकते हैं इसकी डेथ हो गई है। ये जिस जगह पे फंसा था, और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनकी जो स्किन होती है और जो मांसपेशियां होती हैं बहुत ही नाजुक होती हैं। अगर इनको किसी तरीके से कोई थोड़ी सी भी कष्ट, थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचाया तो ये डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये ज़्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर पाते, चाहे वो गर्मी का हो या सर्दी का हो। अच्छा, इनको छोटी सी लकड़ी लेके आप लोग मार दो तब भी मर जाती है, ये बेचारे बेजुबान है, ये अपना दर्द तो बता नहीं पाते हैं। और ये देखो ऐसे फंसा था, कह रहे थे इस पे केचुली भी है, दिख रही थी, स्किन सेट कर रहा था अभी, बहुत कोशिश करी, इतना उसने उछड़ पछड़ करी, ऊपर तक गया नीचे तक गया। तो ये कब की बात है, पहली बार जब ये आप लोगों ने देखा? 7:30 बजे शाम को खाने के लिए बच्चे। अच्छा अच्छा, शाम को 7:30 बजे की बात है। अच्छा, नॉर्मल आते तो ये हुआ कि निकल जाएगा, निकल जाएगा, थोड़ा सा ऐसे ऐसे दरवाजा, लेकिन भाई अभी मैं लास्ट फोटो खींच ले गई हूँ 3:30 बजे। तो ठीक है, इसको अब कौन सा सांप, चलो ये इसका नाम है इस इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, और हिंदी में नांग या नांगिन, और ये मेल था नांग। और ये सब जब कभी काट ले आप लोगों को, मतलब कभी कहीं भी, तो आप लोग करना क्या है, सीधे एंटी वेनम लेना है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंच के, ये नहीं प्राइवेट ट्रीटमेंट ले लो, या झाड़ फूँक कराओ, इंजेक्शन लगवाओ, ये सॉरी जड़ी बूटी दिलवाओ, और तंत्र मंत्र जोगी योगी चक्र पढ़ो। ये सर्प ना तो कभी दूध पीते हैं, ना बीन पे नाचते हैं, ना बदला लेते हैं, इकोसिस्टम है, भोजन चक्र है, पर्यावरण का जो बैलेंस है इन्हीं जीवों से बचा है। ये नहीं होंगे तो हम लोग नहीं होंगे, इनका रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, वैसे ही बीमारियाँ बढ़ रही हैं, तो आप लोग इतनी चीज़ें बातें ध्यान रखिए। रात्र में जब भी आप आगमन करें तो रोशनी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोशनी होगी तो पैर नहीं पड़ेगा, दिख जाएगा, और जब तक पैर नहीं पड़ता कोई सर्प नहीं काटता है। इतना हम लोग इनसे डरते हैं, बेजुबानों से, इससे 100 गुना ज़्यादा ये हमसे डरते हैं। तो इनका रहना बहुत ज़रूरी है, मारना अपराध है, 7 साल की सजा है। लोग समझते नहीं है इस बात को, कैसे समझाया जाए। मैंने 16 साल से कभी इतना सा मारा जी, नहीं, नहीं, नहीं मारना, किसी भी जीव को नहीं मारना है। 100-200 निकाले हैं यहाँ से। तो ये ध्यान कर लीजिए, जहरीला सर्प कोई काट ले, या मतलब बिना जहर वाला काट ले, जानकारी की कमी के कारण तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो जिला अस्पताल में ही डॉक्टर ही उसे मैनेज करता है, वही ट्रीटमेंट करेंगे। तो आप लोग शिक्षित हो, अंधविश्वास को बढ़ावा ना दो, इनके कान नहीं होते, इनको सुनाई नहीं देता, ना बीन पे नाचते, ना बदला लेते, ये एक बूंद दूध पी लेगा मर जाएगा, इनके अंदर दूध पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, तो एक बूंद दूध पॉइजन है इनके लिए। तो आप लोग इनको बिल्कुल ना मारिए। चलिए जो भी है, अब इसकी डेथ हो गई है, बैलेंस भी बनना जरूरी है, ये मरकर इकोसिस्टम के काम आएगा, इसको ले जाके कहीं अभी निकाल देंगे। और यहाँ के लोग हैं दिल से सपोर्ट वर्क करने वाले, एक बेजुबान पर रहम की, और लेकिन उसकी डेथ हो गई, ये सब नेचर की देन है। चलो इनका तो काम था नहीं, उसको निकाल के और बाहर छोड़ दें। एक बार सभी को दिखा दो, ये जो बच्चे हैं देख रहे हैं, सुबह सुबह का वक्त है और बरसात का मौसम है, दिखा दो सभी को। और बरसात में आप लोग इतना एक्टिव रहिए, एक सर पर होता है साइलेंट किलर, जिसे कॉमन करे बोलते हैं, काला होता है, सफेद लकीरें होती हैं, 4 बने हैं, स्टार बने हैं, अभी 2 बार निकल चुका, आ चुका है। मेरी बात तो सुनो, स्टार नहीं है, हाँ। वो काला है पूरा, और यूं लाइनिंग है उसका पैटर्न है, सफेद अच्छा। लाइनिंग है, वो भारत का सबसे जहरीला सर्प है, इससे भी एक्टिव उसका पॉइजन होता है देना। और वो सर्प होता है वो बिस्तरों में भी घुस जाता है, तो आप लोग उससे बहुत सावधानी रखिए, क्योंकि ये सर्प जब काट लेगा तो दर्द करेगा, जैसे यहाँ पे बाइट कर लिया, और स्वेलिंग होगी और काला पड़ जाएगा, तो आपको कन्फर्म हो जाएगा हमें सर्प ने काटा है। और वो सर्प जब काटता है ना तो टिश्यू सेल्स डैमेज होंगे, स्किन पे कोई
कोई सही, हाँ ना तो नहीं स्पॉट तो होंगे, ना तो कोई रिएक्ट होगा, ना तो सूझेगा, ना दर्द होगा, और आपने ऐसे ऐसे कर दिया, बहुत पतले दांत होते तो निशान भी गायब हो जाएंगे, और उसका जो सीधा हार्ट पे अटैक करेगा उसका पॉइजन देना। तो उस सर्प से आप लोग बहुत सावधानी बरती है, वो क्या करता है बिस्तरों में इसलिए घुसता है कि हम लोगों की जो हीट होती है उसको अवशोषित करने के लिए, और काटता नहीं है, जैसे हम लोगों ने सोते समय करवट वगैरह नहीं दब गया तो तुरंत बाइट कर लेता है, वो बहुत खतरनाक सर्प है। तो बरसात के मौसम में आप लोग रोशनी का यूज करिए, रात में कम से कम पैर नहीं पड़ेगा तब सर्प से बच जाओगे, देख लोगे। तो ठीक है, जल्द जल्द इसको लेके चलते हैं, छोड़ते हैं, और बरसात का मौसम है, बहुत से रेस्क्यू के लिए काल आते हैं, तो आप लोग सावधानी बरती है, रात में जब भी आप आगमन करें रोशनी का होना बहुत जरूरी है। और इन्हीं सब बातों के साथ इन लोगों को धन्यवाद देते हुए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, लेते हैं अलविदा, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, भगवान जीवों को बचाते हुए। जय हिंद, वंदे मातरम। चल अपना नंबर दे दें।